गाइस गुड आफ्टरनून, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे। बहुत लंबे समय के बाद आज मैं यूट्यूब पर आ रहा हूँ, तकरीबन 3-4 महीने के बाद। और लिटरली गाइस मैंने सोचा कि एक ब्लॉग बनाया जाए, जो कि बर्फबारी भी बहुत ज़बरदस्त हो रही, तो ऐसे में आपके साथ भी मुलाकात कर ली जाए। तो देखिए गाइस किस प्रकार से बर्फ होती है, आप लोग देखिए लाइव होते हुए, देखिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ मतलब हो रही है, और आगे आगे की तरफ लेके चलता हूँ आपको। काफ़ी समय के बाद आज वापसी हुई है मेरी यूट्यूब पर, और मुझे आपसे कुछ डिस्कस करनी थी, जिसके लिए मैं काफ़ी समय से सोच रहा था कि मैं आऊँ, लाइव आऊँ या वीडियो के माध्यम से आपको बताऊँ। कि पहले हम फ्री फायर की वीडियोज़ बनाते थे, जिसमें हमारा 4000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और अब मैंने सोचा कि कुछ नया किया जाए, इनफैक्ट जिससे कि ऑडियंस क्रिएट हो पाए। ऑडियंस तो है मेरे पास, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि फ्री फायर इतना ज़्यादा चलने वाला अब, क्योंकि अब इसका समय जो है जा चुका है। पहले आपको बर्फ दिखाते हैं भाई साहब, वो देखिए इनक्रेडिबल, क्या मज़ा आ रहा है भाई साहब। ये बर्फ जो है, जैसे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर इत्यादि कम स्टेटों में गिरती है, ऊपर ऊपर उस साइड सीधे मेरे फिंगर के सीधे परे, मतलब बर्फ गिर चुकी है भाई, सफ़ेद हो चुका है, इतनी ज़्यादा बर्फ हो रही है। तो आप लोगों से अब यही पूछना चाहता हूँ मैं कि आप लोग बताइएगा यार, आपको क्या देखना पसंद है, पूछना चाहिए यार कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो आप लोग ज़रूर बताइएगा। फिर से बर्फ़ शुरू हो चुकी है, आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देखिए सफ़ेद सफ़ेद आपको दिखाई दे, ये होती है बर्फ। तो आप लोग सोचते होंगे कि भाई कहाँ से है, तो आपको बता दें मैं हिमाचल प्रदेश में रहता हूँ, और हिमाचल प्रदेश खूबसूरती के लिए जाना जाता है, चीज़ें हैं जो इसकी खूबसूरती को और भी औसम बनाती हैं। जैसे ये इसकी नेचुरलिटी आपको दिखा रहा हूँ, देखिए नेचुरल है ये, पीछे ये देखिए इस साइड ये वृक्ष, और ये जो आमने सामने आपको दिख, यहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है ना, वो बहुत गजब है। अगर आप लोग कभी आएंगे हिमाचल